क्या बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलेगी? क्या मौजूदा विधायकों में से ज्यादा के टिकट काटे जाएंगे? क्या बीजेपी आदिवासियों के बीच जनाधार बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में इन मुद्दों पर मंथन तो चल ही रहा है। पार्टी चुनाव के बिसात पर नए मोहरों को भी उतार रही है, नई चाल चलने की योजना बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जोड़ तोड़ कर भले ही कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन बीजेपी पिछली हार से परेशान है और इस बार किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकती, इसलिए बीजेपी बड़ा फेरबदल करने की योजना पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमपी बीजेपी में इस पर विचार चल रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बनाकर किसी नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा ना रहे। लेकिन चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री बदलना बड़ा जुआ खेलने जैसा हो सकता है। पिछली बार मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से बीजेपी को 114 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 119 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। यह बात और है कि बाद में बीजेपी ने तोड़फोड़ कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। विश्लेषकों के मुताबिक एमपी बीजेपी को इस बार भी बहुत अधिक उम्मीद नहीं है। पार्टी के अंदर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि 100 सीटों पर ही पार्टी सिमट कर रह जाएगी। पार्टी को 80 सीटों के आसपास रहने का अंदेशा है। बहुमत के लिए कम से कम 116 सीटें चाहिए। ऐसे में बीजेपी को कम से कम अतिरिक्त 36 सीटें जीतने होंगी, जो फिलहाल मुश्किल लगता है। पार्टी इसके लिए आदिवासी सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बना रही है। राज्य की 80 विधानसभा सीटें आदिवासी बहुल हैं, इनमें से 47 सीटें उनके लिए सुरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसमें से 30 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आदिवासियों ने झटका दिया था, तब एसटी रिजर्व सीट में से 30 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आदिवासियों का एक बड़ा संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति कांग्रेस के साथ था। इस बार भी स्थिति वही है। इस संगठन के प्रमुख फिलहाल बगावत पर उतारू हैं। उन्होंने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है, लेकिन समझा जाता है कि ये चुनाव पूर्व मूल भाव का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी उन्हें कुछ कम ज्यादा देकर मना ही लेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी ने जो अंदरूनी सर्वे किए हैं उससे परेशानी बढ़ी हुई है। इसके मुताबिक 100 से कम सीटें आ सकती हैं। ऐसे में पार्टी सिर्फ जीत की संभावना को आधार बनाकर टिकट दे सकती है और बड़े पैमाने पर टिकट काट सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 50 विधायकों का पत्ता कट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उनके बागी बनकर चुनाव लड़ने या पार्टी को दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाने का खतरा भी रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा और मध्य प्रदेश में उसकी कामयाबी भी एक बात है जिसका अध्ययन बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने अपने 1.5 साल की सरकार में जिस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग किया था, बीजेपी को उससे भी दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की वही लाइन अभी भी है। बागेश्वर के बाबा के यहाँ हाजिरी लगाने वालों में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी थे। बीजेपी के पास हिंदुत्व कार्ड का विकल्प तो है ही, लेकिन कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व से उसे कितना न्यूट्रलाइज कर लेगी, बीजेपी इस पर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। विश्लेषकों का कहना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेगी और चुनाव जीतने के लिए किसी से कोई मुरव्वत नहीं करेगी, भले ही उसे किसी का पत्ता काटना पड़े या किसी को दरकिनार करना पड़े। इससे खुद बीजेपी के नेता संसद में हैं।